अगर मेरे पास साइकिल तुम लोग मैं लिखूंगा इससे अब सामने कैमरे सामने सामने कैमरे देखो दोस्तों बाबा जी पता नहीं क्या कर ऐसे देखो कुछ ऐसे चीज अजीब था तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन हॉन्टेड ब्लॉग में। तो दोस्तों इस चैनल पे बहुत दिन से वीडियो आ नहीं पाया क्योंकि हम अपने काम पे बिजी हो गए थे तो इसलिए वीडियो आ नहीं पाया। दोस्तों अब रेगुलर वीडियो आएंगे तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। अब रेगुलर वीडियो जो भी मेरे नया सब्सक्राइबर है सब रेगुलर इसमें अब वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों कल 12 दिसंबर कल मैं शादी अटेंड करने आया था तो मुझे यहाँ से हाईवे जाता है तो अमन बेहतर कैमरा घुमाना है यहाँ से हाईवे जाता है तो मुझे हाईवे से जाना था तो मैंने शॉर्टकट के चक्कर में मैंने एक कच्चा रास्ता पकड़ लिया। यहाँ पे एक कच्चा रास्ता है तो वो पकड़ लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जाते जाते तो मुझे एक रास्ते में अंकल जी मिल गया तो अंकल जी बता रहे हैं कि बेटा इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते में कोई इतनी रात को इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता है, तुम भी मत जाओ, यहाँ से हाईवे है, ये हाईवे से चला जाओ। तो फिर मैंने अंकल जी का बात माना नहीं। तो दोस्तों मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और दोस्तों आज इसलिए मैं अमन भाई के साथ कैमरे और लाइट वगैरह सब लेके आया हूँ। अब उसकी कहानी मैं आपको जो है अंकल जी से ही पूछवाता हूँ और अंकल जी के घर के करीब भी आ गए हैं। चलो अमन भाई चलते हैं तो दोस्तों कहानी पूरा बताएंगे। देखना है गेट दोस्तों, लगता है मुझे यही मकान है। पूछते हैं अंकल जी, एक मिनट। अंकल जी, अंकल जी, हाँ जी बोलिए। आप पहचाने? हाँ कल भी आए थे। हाँ आपको तो अंकल जी कल मुझे आप जाने के लिए जो मना कर रहे थे इसकी क्या कहानी है आप बताओ कैमरे में। 2 किलोमीटर के आगे हाँ जी तो एक भयानक चीज रहता है। हाँ जी भयानक। आपको भी कल मना किए थे फिर भी याद आ गया। हाँ उधर 2 किलोमीटर बहुत भयानक चीज रहता है, उधर मत जा। तो अंकल जी उसी को हम एक्सप्लोर करने के लिए आज आए हैं। आज मेरे साथ कैमरे में मेरा अमन भाई है, साथ में हम आए हैं तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा वो क्या चीज है अंकल जी, आप लोग इतना डरते क्यों हो कि उस रोड में जाने के लिए भी मतलब डरते हो? एक बार डर पैदा होता है कि आपको? डरावना चीज है, वो है भूत है। भूत आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उधर कोई जाता ही नहीं। तो दोस्तों मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अंकल जी जो बोल रहे कि इस रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो लोग जाने में डरते हैं, अब हमें नहीं पता, हम एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। अगर हमें देखेंगे जाके पूरा कैमरा लाइव होगा, अगर कुछ भी दिखता है तो हम कैमरे में लाइव दिखाएंगे आपको। तो अंकल जी हम जाना चाहते हैं, अभी हम कैमरे में साथ में है, क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे? नहीं हम नहीं जाना चाहेंगे। नहीं जाना चाहोगे? नहीं। तो दोस्तों अंकल जी भी मना कर दिया सिर्फ आपके प्यार के खातिर। आज हम जाके वहां पे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि वो सच में कोई ऐसी बुरी आत्मा है या फिर कुछ और चीज है, हम उसी को एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं अंदर। तो अंकल जी चलते हैं, अब देखते हैं हम। ठीक है जाइए, ठीक है ठीक से संभाल कर जाइएगा अपना सही से। चलिए तो दोस्तों ठीक है अंकल जी, आप अंकल जी आप जाओ कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपने आपको जो भी है सच्चाई मैंने दिखा दी है, अंकल जी ने खुद मना किया हमें कि मत जाओ। तो दोस्तों क्या ऐसी चीज है कि हमें जाने के लिए मना किया है? तो हम सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे जो भी एक्टिविटी होगा दोस्तों कैमरे के अंदर लाइव दिखाएंगे। चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अंकल जी ने क्या बोला कि बेटे अकेला मत जाओ। फिर उसने जैसे इस रोड के बारे में हॉन्टेड मतलब ये हॉन्टेड प्लेस है दोस्तों, 2 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा खतरनाक जंगल है और कोई भी नहीं जाता है। तो दोस्तों सिर्फ आपके प्यार के लिए हम जा रहे हैं और आज हम अकेले नहीं, हमारे साथ में गुरुजी भी लाए हैं, गुरुजी को साथ में ले जाऊंगा। आ जाओ गुरुजी। अब अच्छा हमारे गुरुजी मेरे साथ में है। तो गुरुजी 2 किलोमीटर तक चल नहीं पाओगे आपको मैं गाड़ी में लेके चलता हूँ,
गाड़ी में साथ में चलते हैं। ठीक है बच्चा, आ जाओ आप गाड़ी में बैठ जाओ। तो दोस्तों ठंड भी बहुत हो रहा है और गुरु जी को गाड़ी में इसलिए बैठा के लिए आ रहा हूँ क्योंकि चल नहीं पाएंगे रात को इसमें। आ जाओ बैठ जाओ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके लोकेशन पे। तो दोस्तों हमने बीच में कैमरा बंद कर दिया था इसलिए, और लोकेशन पे आके सीधा कैमरा ऑन किया। तो गुरुजी को, गुरुजी आप आ जाइए। चल बच्चा। तो दोस्तों देख सकते हो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ की आवाज़ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। और दोस्तों ठंड भी बहुत हो रहा है इतनी रात को। आपके प्यार के खातिर हम इस लोकेशन पे पहुंचे दोस्तों, कोई मजाक नहीं है। उसने हमें बार बार मना किया अंकल जी कि मत जाओ, हमने सिर्फ आपके प्यार के खातिर आए हैं, साथ में गुरु जी को बुलाए ताकि हमें कुछ होना, अपना जान का भी सेफ्टी रखते हैं दोस्तों। तो ये आप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है। आप आ जाइए। चलो बच्चा। दोस्तों देख सकते हो कहीं भी कोई चीज की आवाजें नहीं है, चारों तरफ से जंगल हो चुका है। तो गुरुजी देख सकते हो आप कितने भयानक लग रहा है बच्चा। चल सब देख लेंगे ये। लोकेशन मुझे, मैं सच बताऊं दोस्तों इतनी ठंड हो रहा है और हम स्वेटर भी नहीं लाए, साथ में जाके भी नहीं लाए, बहुत मैं बता नहीं सकता आपको। गुरु जी ऐसा लगे कि कुछ पीछे से कुछ फेंका है। कुछ है बच्चा यहाँ है, कुछ है यहाँ। एक काम कर, तुम पीछे हट जाओ। तो दोस्तों हमें पहुंचते ही हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गया है। गुरुजी मना कर रहे हैं कि आगे तक मत जाओ। गुरुजी पता नहीं आगे क्या कर रहे हैं, देखेंगे। दोस्तों ये पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ा हुआ है यहाँ पे। गुरुजी बच्चा फूल माला दिए ला, फूल माला दो इस साइड, दो इस साइड कोने में दो दो लगा दिए, जला दो किस साइड इस साइड। हाँ दो दो। उसने बताया कि दिया सब चार कोने में जला दो। तो दोस्तों जैसे गुरुजी बताया वैसे कर देते हैं। वन सेकंड यहाँ पे रखता हूँ। ये गुरुजी चार रख दिए उसमें। ले बच्चा ये जला दिया। तो इसके लिए ऑयल भी चाहिए होता है, इसके लिए हमने साथ में ऑयल भी लाया है। जल्दी जला बच्चा। एक मिनट। तो दोस्तों दिया को जलाना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों इसमें लगा चुका।
चलो दिया जला देते हैं यहाँ पे। गुरुजी जल चुका है चारों। बच्चा तुम साइड हो जाओ एक वन सेकंड। तो दोस्तों मैं चारों दिया जला चुका हूँ यहाँ पे और गुरुजी पता नहीं जो भी इसका मंदिर संतर होते हैं वो करेंगे। तो दोस्तों जो भी चीज़ दिखेंगे यहाँ पे हम आपको लाइव दिखाएंगे और इतने सुनसान रोड में डर तो लग रहा है दोस्तों। बंद करूंगा मैं जी गुरुजी जी बटके में बंद करूंगा, मुक्ति दिलाऊंगा उसकी। जो भी करना गुरुजी आप करो क्योंकि गुरुजी हमें कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ है ऐसा। दोस्तों गुरुजी दोस्तों वैसे देख सकते हो सुनसान दूर दूर तक ना कोई बंदी ना कोई बंदे की आवाज कुछ भी नहीं है देख सकते हो। और लोकेशन काफी ज्यादा खतरनाक काफी ज्यादा डरावनी है और 2 किलोमीटर तक ये रोड जो है दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक है। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं आ रहा है बच्चा कौन है बच्चा तो उसको आत्मा आ गया मेरे पास अब डर मत मेरे साइड हो बच्चा आत्मा आ गई मेरे पास साइड हो तुम लोग मैं निकलूंगा इससे अब सामने कैमरे सामने सामने कैमरे देखो दोस्तों बाबा जी पता नहीं क्या कर ऐसे देखो कुछ ऐसे चीज अजीब सा दिल की धड़कन ही मेरे यहां बैठे रखा क्या हुआ था दोस्तों कुछ नहीं बोलूंगा मैं तो कैमरा बाबा जी कहाँ गए जा गई कैद कर लिया मैं इसको। तो दोस्तों गुरु जी ने जो भी किया है यहाँ पे यार हमें कैमरे में क्लियर दिख गया था पर हमें साफ साफ दिखा नहीं पर क्लियर दिख गया था उसके अंदर कैमरे में आपको कैमरे में देख लेना वीडियो रोक के कहीं भी दिख जाएगा आपको। दोस्तों जो भी है गुरुजी ने तो गुरुजी मैं आपको गंगा लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो भी इस रोड पे जो भी बुरा आत्मा रहते थे पता नहीं कितना मारा कितना हमने कैद किया नहीं कि हमें नहीं पता। गुरुजी एक आत्मा को हमने मुक्ति दिलाने के लिए गुरुजी को साथ में लाया था अब गुरुजी हमारे सारा काम कर दिया। गुरुजी एक मिनट तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलते हैं जो भी सच्चाई दिखाना था हम कैमरे में लाइव दिखा दिए। भाई जो भी भाई हमारे चैनल पे नए हो तो यार हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब वीडियो को कर दो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और दोस्तों बस ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपको पता ही है इतनी रात को ऐसे लोकेशन पर आकर वीडियो शूट करना कितना खतरनाक और कितना डरावनी भी होता है अपने जान पर रिस्क लेके आपके लिए करते हैं। दोस्तों बस आपको करना क्या है सिर्फ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना इससे मोटिवेशन बढ़ता है और हमें कॉमेंट करना आपको जो भी वीडियो में लगे हमें कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं यही से हम वीडियो को करते हैं एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और हॉन्टेड नया हॉन्टेड लोकेशन लेके। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ से।